सही बात। हेलो हेलो, पूरी जिंदगी भी निकाल सकते हो। इस होटल का स्वीट रूम है ये वाला, वो इंक्लूड होता है। क्या हरकतें कर रहा है, चलो। न्यू बीच। दोनों आराम से सो गए। किलोमीटर में फैली हुई है गंगा माँ। प्याज की बोरी भी ले गया और अभी बच भी गया है। सेम चीज मैं फील कर रही हूँ आज। पायल आइडिया मैंने दिया था। खाने है क्या? मलाई है। अच्छे से आरती हो गई है। बच्चों को ऊपर ले आई हूँ क्योंकि बच्चे ना नीचे थोड़ा सा परेशान से हो रहे थे गोदी में ना, तो मैं ऊपर रूम में ले आई हूँ। आरती खत्म हो गई थी, हमने गंगा मैया में पुष्प विसर्जन भी कर दिया था, आरती भी ले ली थी। बस अब आए हैं, थोड़ा बच्चों को रेस्ट कराते हैं, खुद भी रेस्ट करते हैं। तो गाइस मुझे तो लग रही है बहुत तेज भूख, मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। बोलो तुझे कुछ खाना है? यार मैं तो अभी चाय बिस्किट ले रही, मैं सोच रही हूँ डिनर ही करूंगी। तो डिनर ही तो हो रहा है, डिनर के लिए तो मैं कुछ ऑर्डर कर रही हूँ अपने लिए, खाने के लिए। हमारा डिनर भी शायद नीचे ना सबके साथ, तो नीचे चल के खाएंगे, बहुत कुछ होगा। चलो गाइस फिर खाना वाना खाते हैं। एक बात है ना, हम जो बाहर आके जो हम लोग ऑर्डर करते हैं ना, वो एक अलग बात होती है, बट बूफे में खाने में एक अलग मजा है, उसमें वैरायटी ऑफ चीजें मिल जाती है ना। सही बात। ना बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ना, बच्चों की सेफ्टी के लिए शहद भी लेके आई थी, थोड़ा सा हल्का सा शहद लगा के दे दिया मैंने इसको और ये जो है थोड़ी देर में सो जाएगा। और यहाँ जो ये ज़ायदा ने बहुत चला के ये बच्चा ना क्या करता है, इसको मैं शहद लगा के देती हूँ, तो जैसे लगाती हूँ ना फटाफट ना शहद सारा जो होता है ना निपटा देता है। उसके बाद उसका पैसिफायर ना उसको ऐसे बैक करता है। इशदाई टाइम, इशदाई टाइम। चूहे चूहे तो थोड़ा सा मैं आपको रूम का टूर करा देता हूँ। मेरे पीछे रूम है और रूम के सामने एक बहुत ही जबरदस्त बालकनी है जिसके सामने गंगा माँ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार बालकनी है और ये पूरी सेपरेट हमारी है दोनों रूम की, और इसके सामने बिल्कुल जस्ट सामने गंगा माँ है। तो यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखेगा, बहुत ही जबरदस्त, मतलब इतना सुकून है यहाँ पे, आप यहाँ पे पूरी जिंदगी भी निकाल सकते हो यहाँ बैठ के। उसके सामने हम जाते हैं हमारे रूम की तरफ। तो रूम में हम भैया यहाँ से एंटर कर रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए, खाने पीने के लिए। वो पायल गोलू और लक्ष्य उसी रूम में है, ये मैं सूरज और कालू भाई इस रूम में है। तो यहाँ से हमने रूम में कर ली एंट्री और यहाँ पे हमारा सारा लगेज आ गया है, बहुत ही सुंदर सा यहाँ का इस होटल का स्वीट रूम है ये वाला। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेडिंग आएगी और यहाँ से फिर हम जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर भी बहुत ही जबरदस्त, मुझे टॉयलेट वॉयलेट सब कुछ अच्छा सा लगा, देख सकते हो। हम अंदर गए, यहाँ से अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद पूरा नीट एंड क्लीन, यहाँ पे टब वब लगा हुआ है, सब कुछ एकदम अपनी जगह पे जबरदस्त। तो इस रूम के लिए मैंने पायल को बहुत पहले बोल दिया था कि जब भी हम हरिद्वार जाएंगे हम यही वाला होटल लेंगे, क्या है ना बच्चे छोटे हैं तो परेशानी नहीं आएगी इधर उधर घूमने में, और सामने गंगा माँ है। और इस रूम की जो खास बात क्या है, आपको सुबह का डिनर नाश्ता सब कुछ जो आप खाते हैं दिन का, मतलब इनके पूरा जो मेन्यू होता है वो इंक्लूड होता है इस रूम में। दूसरे रूम की तरफ, और यहाँ पे बैठे कुलदीप भाई और सूरज भाई कैमरा लेके घूम रहे। कहाँ घूम रहे भैया? मतलब जगह ढूंढ रहा था कोई चीज़। तो ये देखो बहुत ही मज़ेदार है यहाँ भी, और नीचे चल रहे हैं भैया संगीत भजन सब चीज़ें। इसके साथ साथ भैया ये है, यहाँ भी बैठने का है वहाँ भी बैठने का। सूरज कैसा होटल है? बहुत अच्छा। कितने नंबर दे रहा होटल को? 100/100। मज़ेदार। तो होटल के सामने ही आपको ये नहीं है कि आप बाहर का कुछ नहीं खा सकते, आप बाहर का खा भी सकते हैं, बाहर से ला भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। पर क्या ना, जब आपको सब कुछ इंक्लूड यहीं मिल रहा है तो आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और अभी हम जा रहे हैं लड़कियों वाले रूम में, तो लड़कियों का ऐसा ही रहता है। एक सेकंड बोला मुझे जी। तो क्या हम आ सकते हैं? आ सकते हैं पक्का? आ सकते हैं जी, आ सकते हो। सेम ऐसा ही हमारे पास एक और
मजेदार सा रूम है। यहाँ पे हमारा लड़का देख लो क्या हरकतें कर रहा है, दूध निकाल दिया इतने सारा ना। क्या कुछ कह रहा था अभी, क्या कह रहे वाली? आऊ मैं भी आऊँ आपके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। पापा को बोल के दिखाओ आप जो बोल रहे थे। अच्छा अच्छा आपको चीज दिखाऊंगी रुको। तो सबसे बड़ा टीका ना मेरी छोटी सी गुड़िया रानी के लगा है, देखना कितनी प्यारी लग रही है। आपको नहीं लगा, मम्मा को भी नहीं लगा, मामी इनको जल्दी ले आया था ना, ये वो आने लग गई परेशान। टीका ना ऐसे लग रहा है जैसे कि ना वृंदावन चले गए है ना, वृंदावन एक बार वृंदावन भी लेके चले। वैसे ये बात है ना, बच्चों के साथ हमने सारे पल कितने अच्छे ट्रिप्स है, पहले अजमेरी हरिद्वार, अब हम नेक्स्ट टाइम ना भगवान जल्दी से बुलाए वृंदावन भी चलेंगे, मथुरा सब जगह चलेंगे, वैष्णो देवी सब जगह। अरे मेरा बड़ा मन एक जगह जाने का, कहीं बहुत टाइम से सोच रहे थे हम अमृतसर गोल्डन टेंपल, क्या बोलते हो? हम ना जहाँ पे रहते हैं जीरकपुर, तो एक्चुअली ना हम सब चीजों से फ्री हो गए हैं तो अपना महीने में एक आधा टूर हम निकाल लिया करेंगे। हाँ। जैसे चीकू का छुट्टी फ्राइडे होती है, मतलब फ्राइडे स्कूल जाना होता है, तो फ्राइडे हम दोपहर में निकला करेंगे दोपहर में, और सैटरडे संडे संडे को वापस, मंडे को चीकू का स्कूल, मतलब वो दो दिन ढाई दिन हो जाएंगे, ढाई दिन घूम लेंगे। और धीरे धीरे ना बच्चों को ट्रिप्स की आदत भी हो जाएगी फिर, क्योंकि होता है ना कि नए नए बच्चे। तो भैया दोनों मोटी हो गई है, तैयार चले और क्या फिट हो तुम? नहीं फिट भी नहीं है, पर ऐसे भी बोल सकते हो ना कि होने वाली पतली लड़कियां। अच्छा होने वाली पतली लड़कियां जा चाहे मेरे मोटे से। तो बाकी जो दो बच्चे हमारे रह गए ना वो दोनों सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही मैं, फटाफट से अपना डिनर करके आऊंगी और फिर बच्चों के पास आके सो जाऊंगी। तो गाइस कमेंट में बताना कि ना आपको जैद का नया सेट कैसे लगा, अभी इसने नया सेट पहना है। आपको न्यू पीच कर दूं मैं? न्यू पीच रेट कितने कितने है? रेट 50,000 सो गाइस अभी हम जा रहे हैं गंगा लहरी होटल में, क्योंकि वहाँ पर हमारा डिनर प्लान है, बहुत ही स्पेशल डिनर होगा टेरेस पे और साथ में होगा गंगा जी के दर्शन। चले वहाँ पे चलते चलो। तो गाइस आज काफी समय बाद ना हरिद्वार की गलियों में घूमने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और साथ ही साथ आपको बता दूं यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं जहाँ पे पूजा के बहुत सारा सामान मिलता है, और साथ ही साथ छोटे छोटे पर्स भी मिलते हैं। तो अभी जब हम अपना डिनर कर लेंगे, डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत शॉप करेंगे बच्चों के लिए, छोटी मोटी चीजें लेंगे, और ना ओम वाली जो ड्रेस होती है ना बच्चों की वो हम गलती से घर में भूल आए हैं, तो वो भी छोटी छोटी ड्रेसेस ले लेंगे, कल सुबह की आरती में बच्चों को वही पहनाने वाले हैं हम। तो गाइस यहाँ की जो मार्केट है ना मुझे याद दिला रही है, हर एक हिल स्टेशन पे ना ऐसी मार्केट होती है, कहीं भी आप बाहर चले जाओ, चाहे आप देहरादून चले जाओ, पहले शिमला चले जाओ, कुल्लू मनाली चले जाओ, हर जगह ना ऐसी मार्केट्स होती है, वहाँ पे ऐसे सामान मिलते हैं और बहुत ही मजा आता है। मतलब कि ना इतने दिनों बाद हम लोग घूम रहे हैं मार्केट में, डिनर करने जा रहे हैं, फुल मस्ती कर रहे हैं, ये जो ट्रिप है ना पायल एकदम जैसे सोची थी वैसे ही जा रही है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। बात यह है कि हमारे अयान और दुबई के इतने बेस्ट बेबीज है ना, दोनों आराम से सो गए और हमें उन्होंने थोड़ा सा मौका दे दिया कि चलो मम्मियों को भी थोड़ा सा घूमने का मौका दे दिया जाए। सही बात है, और हमारा जो जैद है ना वो सोया नहीं था, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इन दोनों को ना उसकी नींद पूरी होना तो वो बहुत अच्छी से हैप्पीली रहता है, लेकिन अगर नींद कच्ची टूट जाए उसकी तो फिर वो जिंदा आराम कर देता है। तो वैसे गाइस एक बात और है, मार्केट के अंदर ओपन प्लेस में पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करने का एक अलग ही मजा है, है? तो है ये तो है, मतलब कि गाइस हम मार्केट में चल रहे हैं बिंदास चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पीछे पूरी फैमिली है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं होटल, और सच में अभी का जो वेदर हो रहा है ना इतना अच्छा हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ही मस्त मौसम हो रहा है। सामने गंगा माँ है बिल्कुल सामने, वो व्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ, खाना खा रहे हैं, भूख लगी बहुत ज्यादा, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है वेदर, बहुत अच्छा लग रहा है। लिफ्ट में 5-7 लोग आ गए, हेलो चलो भाई, ओ वाओ कितना अच्छा व्यू है, इतना जबरदस्त व्यू है ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का देख के, है भाई? बिल्कुल बिल्कुल, वाह यार गंगा मैया कितनी लंबी है ना, देखो जरा यहाँ से पता चल रहा है। तो गाइस कुदरत से बड़ा ना कुछ भी नहीं है, आप ये देख लो गंगा मैया में ना इतना ज्यादा पानी है, इतना ज्यादा, मतलब आप यहीं से अंदाजा लगा लो, वो तो छोड़ दो, और ये भी कम से कम लगा लो 2,000 से 3,000 किलोमीटर में फैली हुई है गंगा माँ, हर गंगा हर गंगा। यहाँ पर खा रहे हैं बच्चे गोलगप्पे और कालू भाई खिला रहे हैं इनको, सबको देख लो आप, यहाँ का जो व्यू है ना मुझे लग रहा है मुझे तो यहीं सो जाना चाहिए आज रात को। अभी दे दो भैया ले जाने दो, वो देखो मेरा प्याज की बोरी भी ले गया, इधर आ जा। तो गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त, ये पहाड़ी पिसा हुआ नहीं, भांग जीरा की चटनी, नाम है इसका। ये जो घी है ना बड़ी प्यारी सी छोटी सी केतली में है, बहुत ही क्यूट लग रही है मुझे केतली। मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ हैं, हम बिल्कुल गंगा जी हमारे सामने हैं, होटल का क्या नाम है? होटल गंगा लहरी, होटल गंगा लहरी। तो जब भी आप आए
हरिद्वार, तो गंगा लहरी में जरूर आए। बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त खाना मिलने वाला है यहाँ पे। हाँ बहुत ही, देखो दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है, तो खाने में तो बहुत लाजवाब होगा, तो बस अब ट्राई, वेट नहीं हो रहा, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। प्याज की सब्जी इतनी जबरदस्त है ना, सेम आलू भी मुझे यही बात भूली के वही सब्जी खाई, इतनी टेस्टी है ना गाइस, ये टमाटर प्याज की जो चटनी है मजेदार, मतलब कि ना मैंने सिर्फ एक रोटी से खाई स्पेशली। हमारी थाली और भैया पवन की थाली में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए पूरी प्लेट की जगह हमें देखो क्या क्या लेके आना पड़ा, हमारी एक थाली में काम हो गया था भाई। और अभी बच भी गया है, एक में दो लगे हुए हम, भाई साहब की अलग से है। तो गाइस जब मैं ना छोटी थी ना, तो मैं ये चीज देखती थी कि ना माँ खाना खा रही है, खाना खाते खाते अपना खाना छोड़ के ना, जब बच्चा हल्का सा भी रोने लगता है ना, खाना छोड़ के ना बच्चों को खिलाने लग जाती थी, और यही चीज सेम चीज मैं फील कर रही हूँ आज पाया, जब मैं खाना खा रही हूँ ना हल्का सा ना ज्यादा रो रहा है, मैं अपना खाना छोड़ रही हूँ। चीकू पापा ने भी बोला यार गोलू तू आराम से खाना खा ले, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं आप खाओ मैं संभाल लूँ, मैं संभाल लूंगी इसको, खाना भी खा लूंगी संभाल भी लूंगी। तो गाइस हमारा डिनर हो गया अभी, मैं तो आ गया हूँ यहाँ पे गंगा नदी का दर्शन करने, तो अभी चलते हैं अंदर। तो गाइस बच्चों के साथ देखो क्या क्या करना पड़ता है, जो हमारे डाइनिंग टेबल का टेबल क्लॉथ होता है ना, मैंने वो लगाया है कि होटल से निकलने से पहले इसने मेरी जो शर्ट है पूरी खराब कर दी, तो मैं नहीं चाहती टी शर्ट खराब करे, तो मम्मा ने लगाया है टेबल क्लॉथ आपके लिए। हाँ विपाल, ये आइडिया मैंने दिया था, अपने आप क्रेडिट लेने लग जाती है। मैंने दिया, मैंने कहा ये लगा ले वरना ये टी शर्ट गंदी हो जाएगी, इसका क्या है ये तो दूध गिराते रहेगा। चल चल होटल से ना तू थोड़ा सा भूख लग रही है उसको खिलाना, चलो चले। तो गाइस बहुत ही प्यारा डिनर रहा, मजा आ गया। और अभी ना एक फनी इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट ये हुआ कि ना पायल की बैक में पेन हो रहा था, और हम घर से पेन के लिए लाना, तो एक कॉस्मेटिक की जनरल शॉप थी, तो पायल वहाँ पे गई और जाकर बोल रही है कि गोलू मेरे पेन किलर का नाम क्या है, मैंने कहा मुझे भी याद नहीं है, तो पायल अंदर जाके बोल रही है स्ट्रॉन्ग पेन किलर दे दो, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैम ये केमिस्ट की शॉप नहीं है, ये है जनरल स्टोर। पायल तू भी ना मुझे, अरे मुझे मैंने ना वो जाते हुए देखा था, मुझे लगा कि वो जनरल वो केमिस्ट्री है, तो मैंने कहा आते हुए लूंगी, और मैंने ध्यान नहीं दिया वो, क्योंकि उसका ना काउंटर ऐसा था बिल्कुल केमिस्ट वाला, वो जनरल स्टोर था। सेम तो चीकू के लिए था, लेकिन मुझे अभी दोबारा बच्चों के लिए लेना है। चीकू मम्मी ने तेरे लिए भी लिया था, पता है आप जब छोटे थे तब लिया हमें भाई बहन। क्या इच्छा मुझे बता कि यार चीकू यार वेस्ट चीजें मत कर, तू खाने पीने की चीजें लिया कर, ये तेरे काम की थोड़ी है, अभी तू क्या करेगा उनका, क्या हुआ तेरे साथ है? मेरा रोना निकल गया। चीकू ये वाली, चीकू ये वाली गन देख, बढ़िया अच्छी है, अच्छी अच्छी है, क्या हुआ मैंने गन लटकी हुई, मैं सोच रही हूं अकेले क्या लटक रही है, देख के चला कर देखती हूं, लाइटर होगा, जैसे ही दबाया इतनी तेज से लगा, एक बार टाइगर पे ट्राई करना, इसको ट्राई करना, इसको बड़ा करंट लगता है, लगता है कुछ करंट लगेगा इसको, भैया बिजली वाला करंट भी लग सकता है, इनकी उंगली नहीं जा रही, डाल भाई छोटे छोटे उंगली डाल सबसे, बस हो गया करंट तो लगा, करंट तो लगा इसको, बहुत तेज लगता है, वैसे गलत बात है ना, इनको ऐसे लटकानी नहीं चाहिए। बोली तेरे कुल्फी खिलाता हूं यहां की जो स्पेशल कुल्फी है हरिद्वार की, वो खिलाता हूं। ठीक है खाऊंगी, बिल्कुल खाऊंगी, ठीक है कुल्फी खाओगे क्यों, अब हाथ नहीं लगाऊंगी काउंटर पे, कोई भी चीज होगी करंट लग जाएगा, करंट लगता है। खानी है क्या पापा? नहीं। अच्छा हाँ भाई, हाँ भैया तीन दे दो जिसको खाने होगा बाद में खा ले, खाने खानी है, खानी है हाँ हाँ, एक दो और किसी को खानी है, मैं भी तीन चार पाँच, पाँच कुल्फी दे दो पाँच। कैसा टेस्ट है? अच्छा भाभी को टेस्ट किया भाई, बन और ले लेंगे ना जी, थोड़ी सी खा के देख ले, मलाई है इस पे, मलाई में। तो गाइस हम लोग पहुंच गए होटल में, यही बोल रही थी कि जाती हूं तो बहुत टाइम लगा, आती हूं कम टाइम क्यों लगा, भीड़ थी। अच्छा तो भैया यहां पर होने वाले दो दो हाथ, हां भाई सूरज हो जाए ओके, गुड हार जाएगा, चार से मैं तो हार सकता हूं, मुझे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत टाइम हो गया मुझे खेले हुए, मैं खेल लूंगा भाई मेरे साथ, मैं आ जाओ कोई भी छूट है, ओए सो जा यहां पे पापा, मैं थोड़ा लेट के आज में सोया था। देख जी को दिमाग मत खराब कर, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूं, यहीं सोएगा ठीक है, चलो स्लीपिंग राइट नाउ, जल्दी से ऐसे बेहोश हो जा, पता नहीं लगना चाहिए सो रहा है जाग रहा है, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार बाय बाय, ध्यान रखो, सेफ रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नमस्कार।